खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब का बजट पेश। मराहत ना लेने वालों की तनख्वाह में 37% इजाफा। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज। मजदूर की कम अज कम उजरत 21,000 रुपए होगी। तालीम के लिए 200 और सेहत के लिए 142 अरब रुपए रखे गए हैं। छोटी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 रुपया होगी। बिलावल भुट्टो ने विफाकी बजट को मौशी हमला करार दे दिया। कहा, मौशी तरक्की पर IMF से भी क्यों मांग रहे हो? इतने अच्छे हालात हैं तो आज ही IMF से निकलें। खबरदार, नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। स्पीकर को मुखातिब करते हुए बोले, अपोजिशन लीडर पर बजट किताब फेंकी गई। स्पीकर साहब, आपने अपने ओहदे की तौहीन की, आपको इसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। गधों में इजाफा PTI की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर तंज। गधों की तादाद में इजाफे पर स्पीकर को मुबारकबाद भी दी। असद कैसर ने वजीर मवासलात के बारे अल्फाज कार्रवाई से हजफ करवा दिए। बिलावल भुट्टो की तकरीर को 2 बार सेंसर कर दिया। IMF का दबाव या FPR की मुखालफत, नई टेक्सटाइल पॉलिसी को धचका लग गया। वजारत तिजारत 5 बरामदी शोबों के लिए 0 रेटिंग की बहाली की तजवीज से दस्तबरदार हो गई। 0 रेटिंग बहाल नहीं हो सकती, मुशीर तिजारत अब्दुलरजाक दाऊद ने हाथ खड़े कर दिए। अपोजिशन पहले ही मरी हुई है, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है, इन्हें तकरीर भी नहीं करने देंगे तो ये बिला वजह मत्थे लगेंगे। शेख रशीद की अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। हुकूमत कहती है वैक्सीन लगवाओ, शहरी कहते हैं कहाँ से लगवाएं। मुल्क के बेशतर शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरी वैक्सीन सेंटर्स के चक्कर लगा कर थक गए। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद। रावलपिंडी में 3 रोज बाद भी वैक्सीन की फराहमी ना हो सकी। मुल्तान, बिहाड़ी, मियाबाली, अटक, सरगोधा, बहावलपुर और हैदराबाद के लोग भी ख्वार हो गए। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर को खत में मीडिया को पार्लियामेंट में मुकम्मल रसाई देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादम हैं, मुतालिका फरीकैन से कोई मुशावरत नहीं की गई, हुकूमत आइंदा इंतखाबात को भी मुतनाज़े बनाना चाहती है। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है, दासू डैम मंसूबे से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। डैम की तामीर से 4320 मेगावाट सस्ती पन बिजली पैदा होगी। शहर काद में मौसम के अनोखे रंग, कराची के जनूबी हिस्से में गर्मी और हब्स, शिमाली हिस्से में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को औसम कर दिया। सुपर हाईवे पर मूसलाधार बारिश, नूरियाबाद और थड्डू डैम के करीब ही बादल जमकर बरसे। मरीर, गुलशन-ए-हदीद और स्टील टाउन में बारान-ए-रहमत।